नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे चावल के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर आप व्रत के दौरान खाते हैं। जी हाँ, समा के चावल कहें, सामक के चावल कहें, मोरधन के चावल कहें, या कई जगह इसे वरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नाम चाहे कोई भी हो, लेकिन फायदे इसके बहुत हैं। दोस्तों, आपने कभी गौर किया कि इसे व्रत के दौरान क्यों खाया जाता है? हम आपको बताते हैं। दरअसल इसे व्रत के दौरान इसीलिए खाया जाता है कि आप पूरा दिन कुछ नहीं खाते और समा के चावल में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है, अच्छी खासी मात्रा में होता है, और ये लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ रखता है। इसीलिए इसे व्रत के दौरान खाया जाता है कि आपको लंबे समय तक भूख ना लगे। साथ ही इसको खाने के बाद आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, यानी एनर्जी से भरपूर होता है। दोस्तों, वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अनाज नहीं होता। जी हाँ, ये दरअसल घास का एक बीज होता है जो खेतों में अपने आप उग जाता है। इन चावलों को भी एक नॉर्मल चावल की तरह ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ये चावल कोई अनाज तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अनाज की ही तरह न्यूट्रिएंट और एनर्जी हमको देता है। दोस्तों, अगर बात करें कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट होते हैं, तो आपको बता दें, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर तो इसमें इतनी अच्छी खासी मात्रा में होता है कि आप इसे व्रत के दौरान खाएंगे तो आपको कमजोरी महसूस नहीं होगी। साथ ही आप इसे डेली डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही समा के चावल में विटामिन ए की भी मात्रा बहुत अच्छी खासी होती है, जो आपके स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होती है। सामक के चावल में फाइबर भी अच्छी खासी मात्रा में होता है, जो आपके वजन को बढ़ने नहीं देता। अगर आप व्रत में इस चावल का सेवन करते हैं तो आप अपने वजन को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ई और सी की भी अच्छी खासी मात्रा होती है। आपको बता दें, कई तरह के इसमें मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई कि सामक के चावल में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन आखिर वो फायदा क्या क्या है ये भी जान लेते हैं। देखिए, अगर आपको आयरन की कमी है, यानी कि खून की कमी है, तो आप अपनी डाइट में समा के चावल को जरूर जरूर इंक्लूड करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें अनार से भी ज्यादा आयरन होता है। आप इसे खिचड़ी, पुलाव, कचौड़ी, पूरी की तरह भी खा सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो आप इसकी खीर बनाकर खा सकते हैं, मीठा चीला बनाकर खा सकते हैं। कई और ऐसी रेसिपीज है जो हमने अपने चैनल पर शेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हड्डियों की। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, हमसे उठा नहीं जाता, हम एक बार बैठ जाएं तो उठने में बहुत परेशानी होती है। दरअसल उनकी हड्डियाँ कमजोर होती हैं। अगर हम सामक के चावल को अपनी डेली डाइट में शामिल करें तो इससे हमारी हड्डियों की जो भी समस्या है वो दूर हो सकती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, सामक के चावल ग्लूटेन फ्री होते हैं। जिन्हें गेहूं या गेहूं से बनी किसी भी चीज से एलर्जी होती है, वो इसे आसानी से खा सकते हैं और इससे वजन बढ़ने की भी समस्या नहीं रहती। सामक हाई रेजिस्टेंस फाइबर से भरपूर होता है, जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और शुगर मेटाबॉलिज्म में तेजी लाता है, जिससे वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है। यानी कि अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सामक लो कैलोरी वाला एक फूड होता है, जो कि वजन नहीं बढ़ने देता, इसीलिए आप इसे अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें, समा के चावल में शुगर की मात्रा बेहद कम होती है, जिसकी वजह से इसे डायबिटीज के पेशेंट आराम से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, सामक के चावल में सोडियम की मात्रा नहीं होती है, ऐसे में शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सामान्य रखने में काफी मदद मिलती है। समा के चावल में अन्य चावल के मुकाबले 30 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जिससे उम्र बढ़ने की निशानियां, यानी एंटी एजिंग से बचाने में काफी ज्यादा ये कारगर होती हैं। दोस्तों, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप जरूरत से ज्यादा समा के चावल का डेली डाइट में सेवन ना करें, क्योंकि अगर आप इसका ज्यादा सेवन करते हैं तो ये आपको उल्टी जैसी समस्या पैदा कर सकता है या नौसिया जैसी आपको फीलिंग हो सकती है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप डेली जितना चावल खाएं उतना ही खाएं। अगर आप उससे ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। चलिए, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इसको रखने का तरीका क्या होना चाहिए। आप हमेशा इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें।
ताकि इसमें नमी ना जा पाए। नमी जाते ही थोड़ा सा मॉइस्चर अगर इसमें चला गया तो ये खराब हो सकता है। तो इसलिए ध्यान रहे, जब भी आप इसको स्टोर करें तो एयरटाइट कंटेनर में ही स्टोर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया समा के चावल से जुड़े हर एक बात, चाहे फायदा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे रेसिपीज हो, रखने का तरीका हो, साथ ही इसमें क्या क्या होता है जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही।